हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं उमेश सिंह, आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, मैं आज आपको बताने वाला हूं कि एनटीपीसी की जो आंसर की है वो कब तक आ सकती है और जो रिजल्ट है कब आएगा। ये सारी बातें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, अगर पिछला रिकॉर्ड देखा जाए, जो जितने एग्जाम होते हैं उनका सबका रिकॉर्ड देखा जाए कि उनके एग्जाम के कितने दिन बाद आंसर की आ गई है, तो देखिए ज़्यादातर मोस्टली क्या होता है कि किसी भी एग्जाम हो, चाहे बड़ा एग्जाम हो या छोटा एग्जाम हो, चाहे 1 करोड़ स्टूडेंट बैठे हों चाहे 2 करोड़ स्टूडेंट बैठे हों, उनका जो आंसर की है लगभग 15 से 20 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 30 दिन के अंदर सारे एग्जामों के आंसर की आ जाती है। तो हम लगा सकते हैं अनुमान की जो एनटीपीसी की आंसर की है, 31 जुलाई को एग्जाम खत्म हुआ तो अगस्त के एंड तक इसके आंसर की आपकी जारी कर दी जाएगी, यानी कि अगस्त के एंड तक आपके आंसर की आ जाएगी। उसके बाद आपको 10 से 15 दिन का समय मिलेगा कि अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत है, वो मैच नहीं कर रहा है, तो आप उसके लिए ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। तो उसके लिए आपको 15 से 20 दिन का समय दिया जाएगा। उसके बाद में जो प्रक्रिया चलेगी, उसके बाद में जो टाइम लगेगा रिजल्ट आने के लिए, तो उसके बाद में 1 महीना और मानिए, यानी कि अब से अगर देखा जाए तो 2 से 2.5 महीने, यानी कि अगस्त चल रहा है, अगस्त खत्म हो जाएगा, सितंबर खत्म हो जाएगा, यानी कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आने की पूरी पूरी संभावना है। क्योंकि ना CVT 2 भी कराना है, अगर रेलवे टाइम लगाएगी तो ये आगे का जो एग्जाम काफी और लेट हो सकता है। तो अगर रेलवे सही रही अपनी जगह पर और उसको एग्जाम कराना है, जल्दी भर्ती करानी है, तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा और जो आंसर किया आपके अगस्त के लास्ट, यानी कि 30 अगस्त तक आपका एग्जाम कई आंसर किया वो आ जाएगी। तो अक्टूबर में आपका रिजल्ट आ जाएगा और उसके बाद में 20 से 25 दिन बाद आपका CVT 2 स्टार्ट हो जाएगा। तो आपके पास अब CVT 2 के लिए भी ये समझिए कि 2 महीने हैं आपके पास, 2 महीने में आपको तैयारी करनी है CVT 2 की। तो 2 महीने में कैसे तैयारी करनी है, कैसे नहीं करनी, मैं इस पर आपको वीडियो बना दूंगा और आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना सारी बात मैं एक्यूरेट बताऊंगा आपको, जिससे कि इस बार आप NTPC में सिलेक्शन ले सकें। देखिए, NTPC में सिलेक्शन लेना, बस रेगुलरिटी आप बनाओगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको जान लिया होगा आपने कि अब आपकी जो आंसर की है अगस्त के एंड तक आपकी आंसर की आ जाएगी और रिजल्ट अक्टूबर में आ जाएगा और उसके बाद में CVT 2 आ जाएगा, यानी कि नवंबर में CVT 2 स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको अब तैयारी कर देनी चाहिए, आपको अब आंसर की और उसका ज़्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए। अगर आपके 50 क्वेश्चन सही हैं CVT 1 में, अगर आपके 50 क्वेश्चन सही हैं तो आप CVT 2 की तैयारी कर दीजिए। अगर SC से हो आप हो या ST से हो, आपके 45 क्वेश्चन आपके अगर सही हो रहे हैं तो आप CVT 2 की तैयारी कर दीजिए, क्योंकि आपका इतने पर सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि कुछ नॉर्मलाइज होने के बाद नंबर बढ़ेंगे और कुछ आपके 50 हैं और एबसेंट भी ज़्यादा रही हैं, तो आपके मेरिट जो रहेगी आपकी बहुत लो मेरिट जाने वाली है, इतनी हाई मेरिट नहीं जाएगी। तो आपको बस मैं यही बताना चाहता था कि आप CVT 2 की तैयारी कर दीजिए। इस बार फतेह आपको लेनी है, कोई ना कोई आपको एक जॉब इस साल लेनी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं ऐसी ही और मोटिवेटेड और किसी भी एग्जाम से जुड़ी हुई कोई ना कोई जानकारी वाली वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार फिर से एक लाइक जाते जाते ठोक दीजिएगा। तो थैंक यू, धन्यवाद।